तो सबसे पहले संदीप भाई नमस्कार, आकाश भाई आपको भी नमस्कार और मेरे सभी भाइयों को नमस्कार। कि ये दर्द तो कुछ भी नहीं जो वो फिलहाल सह रही है, ये दर्द तो कुछ भी नहीं जो वो फिलहाल सह रही है, वो उसकी मुसीबतों के और दर्दनाक इंतजाम कर सकता था। वो उसकी मुसीबतों के और दर्दनाक इंतजाम कर सकता था, मेरे हुक्म का गुलाम था वो, उसे बदनाम भी कर सकता था। मेरे हुक्म का गुलाम था वो, उसे बदनाम भी कर सकता था, और बदनामों में कहीं मेरा नाम ना उछाला जाए, बदनामों में कहीं मेरा नाम ना उछाला जाए, उसे इस बात की भी फिक्र थी, वरना वो उसे नीलाम भी कर सकता था, वरना वो उसे नीलाम भी कर सकता था। और मेरी जिद के मैंने कह दिया उससे कि मैं तुझे जीते जी मरने नहीं दूंगा, इतनी बड़ी बात नहीं थी, वो तेरा कत्लेआम भी कर सकता था। शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत। कि पहले तो बेरहमी से तोड़ा गया दिल उसका, पहले तो बड़ी बेरहमी से तोड़ा गया दिल उसका, फिर उस लड़के से दिल संभालने की बात की जा रही थी, फिर उस लड़के से दिल संभालने की बात की जा रही थी, और एक वो थी जो हम बिस्तर होती रही गैर के साथ, और उस बेचारे को सांस खिचकिच कर आ रही थी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और कहना चाहूँगा मैं शायरी है कि काल्पनिक है थोड़ा, कि दम तोड़ दिया हमने अब तेरे फंदा लगाने से क्या होगा, दम तोड़ दिया हमने अब तेरे फंदा लगाने से क्या होगा, ये जो तेरे कदमों में मेरे लाश होने जा रही है, भला इस पे आंसू बहाने से क्या होगा, भला इस पे आंसू बहाने से क्या होगा, और फायदा इसी में है कि तू हाथ थाम उस रकीब का और कर ले जिंदगी मुकम्मल, अब मेरी तस्वीर के सहारे जिंदगी बिताने से क्या होगा। शुक्रिया। और एक लिखा था मैंने कि पैसों से कोई अमीर गरीब नहीं होता साहब, पैसों से कोई अमीर गरीब नहीं होता साहब, मैंने अमीरों में भी गरीब देखा है, करोड़ों के मकान खड़े कर रखे हैं जिन लोगों ने अपने, मैंने उन्हीं घरों से प्यासे को प्यासा लौटते देखा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोई शख्स ये बेइज्जती सरेआम कर गया, कि कोई शख्स ये बेइज्जती सरेआम कर गया, उस बेवफा के साथ मेरा नाम लिख कर गया, और जब तक लाता मैं अपनी जिंदगी की गाड़ी को रास्ते पे, और जब तक लाता मैं रास्ते अपनी जिंदगी की गाड़ी को, खुदा भी दो दिन की जिंदगी लिख के गद्दारी कर गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और एक और सुनिएगा, मैं रात इंदौरी का बहुत बड़ा फैन हूं, तो उनको देख के कुछ ना कुछ तो एक नया लिखता ही हूं। कि दहलीज हो या आंगन, समझने की कोशिश करना, कि दहलीज हो या आंगन तू दिए मत जलाया कर, दहलीज हो या आंगन तू दिए मत जलाया कर, नहीं फर्क पड़ता दुनिया को तेरे जिंदा होने या मरने से, बस ये रोशनी करके मत दिखाया कर, बस ये रोशनी करके मत दिखाया कर, और आंखें दो कर लो या चार कर लो, तन्हाई नजर नहीं आती, आंखें दो कर लो या चार कर लो, तन्हाई नजर नहीं आती, तो मेरे यार खिड़कियों में पर्दे मत लगाया कर। थैंक यू सो मच। और एक और सुनाना चाहूँगा, लोग प्यार में हाथ वात काट देते हैं इश्क में, तो उसी के ऊपर, कि ये दुनिया प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है, कभी जहर कभी फंदा तो कभी हाथ काटती है, कि कभी जहर कभी फंदा तो कभी हाथ काटती है, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो मोहब्बत की कौन सी देवी है जो बलि मांगती है। सर अगर एक हो तो मैं एक और पढ़ना चाह रहा हूँ, कि परिंदे आसमान से हवाओं का पता बूझ रहे हैं, मेरे नाम के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं, परिंदे आसमान से हवाओं का पता बूझ रहे हैं, परिंदे आसमान से हवाओं का पता बूझ रहे हैं, मेरे नाम के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं, और कितना तलाशूं मैं तुझे, और कितना तलाशूं मैं तुझे, यहाँ अब लोग मेरी तस्वीर लेके मुझे ढूंढ रहे हैं। थैंक यू सो मच।